तो वेलकम बैक गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लोफर गेमिंग में। एंड गाइस, आज मैं आपको देने वाला हूँ स्नाइपिंग की भाई बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि भाई अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। एंड स्नाइपिंग के मतलब इसके बाद आपकी स्नाइपिंग जो है भाई वो एकदम ओपी गॉड लेवल स्नाइपिंग हो जाएगी। तो गाइस, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो पूरी देखना। एंड साथ ही भाई, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन प्रेस करो, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। तो गाइज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई मैं स्नाइपिंग की टिप्स देने वाला हूँ आपको ये वाली वीडियो में। तो गाइज़, पहले तो बात कर रहे थे भाई नॉर्मल स्नाइपिंग की, जो ज़्यादातर लोग 90% लोग जो जैसे स्नाइपिंग करते हैं तो भाई वैसी बात कर लेते हैं। तो गाइज़, आप क्या करते हो, देखो भाई ये जैसे मैंने स्कोप ऑन किया एंड भाई एम करते हो, तब तक भाई अपना टारगेट वहाँ से मतलब कहीं और निकल जाता है, तो हम एम करने के चक्कर में रह जाते हैं एंड भाई उसको शूट नहीं कर पाते एंड वो टारगेट हम नहीं कर पाते, तो भाई वो बंदा मतलब आगे निकल जाता है एंड हम उसको एम ही नहीं कर पाते। तो गाइज, मतलब ये वाली स्नाइपिंग से भाई आप शॉर्ट रेंज में तो भाई स्नाइपिंग कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट रेंज में तो आपको मतलब एम पे बस क्लिक करना होता है एंड स्कोप ऑन नहीं करना होता है। लेकिन स्कोप ऑन करने के बाद गाइज, आप क्या करते हैं कि आप स्कोप ऑन करते हैं एंड उसके बाद भाई एम करते हैं, तब कि भाई आपका टारगेट निकल जाता है इधर से उधर। देखिए गाइज, जैसे कि मैं अभी देखो एम कर रहा हूँ एंड टारगेट ही भाई गायब हो चुका है। तो गाइज, आपको करना क्या है उसके लिए, आपको गाइज अपनी सेटिंग्स ओपन कर देनी है। एंड सेटिंग्स में आप देख सकते हैं भाई, ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा बोल्ट एक्शन राइफल एंड क्रॉस वो को भाई टैप एंड रिलीज, दो ऑप्शन मिलेंगे। तो आपका डिफॉल्ट पे जो टैप रहता है एंड सभी बंदे टैप ही यूज करते हैं, तो भाई उसको आपको रिलीज पे कर देना है। एंड रिलीज पे करने के बाद गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जैसे ही शॉट करता हूँ मतलब फायर वाले बटन पे प्रेस करता हूँ, तो भाई स्कोप अपने आप ऑन हो जाता है एंड भाई दूसरे बटन पे लिखा जाता है स्टॉप फायरिंग, तो उस पर क्लिक करने से आप फायर रोक सकते हैं एंड भाई स्कोप अपने आप ऑन हो जाता है। आपको मतलब सिर्फ करना क्या है, वो बटन रिलीज कर देना है जब भी आप शॉट करना चाहते हैं, मतलब उसी टाइम बटन रिलीज कर देना है एंड भाई उससे आपको एकदम परफेक्ट एम मिलेगा। जब आपका एम हो जाए उसी टाइम फटाफट से रिलीज कर देना है। टैप करने में भाई थोड़ा टाइम लगता है एंड रिलीज करने में भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता एंड स्कोप भी अपने आप ऑन हो जाता है। स्कोप आप हटाना चाहते हैं तो भाई राइट से स्कोप का बटन है, वहाँ से आप स्कोप भी हटा सकते हैं, फिर भी आपका फायर बटन मतलब रिलीज पे ही रहेगा एंड आप उसको बाद में रिलीज कर सकते हैं। इससे भाई क्लोज रेंज में भी मार सकते हैं आप। काफ़ी बंदों को यही प्रॉब्लम रहती है कि भाई उससे आप क्लोज रेंज में कैसे मारेंगे, स्कोप ऑन हो जाएगा तो भाई स्कोप वाले बटन पर प्रेस करेंगे तो स्कोप हट भी जाएगा एंड आप उससे इजीली एम कर सकते हैं, मार सकते हैं भाई। तो अभी तक तो देखो मैं आपको अभी शॉर्ट करके नहीं दिखाया, तो अभी दिखाता हूँ मैं भाई आपको मतलब दो चार टिप्स दिखाता हूँ, मतलब टिप्स क्या बोलें, दो चार मतलब शॉर्ट्स दिखाता हूँ कि ये मोमेंट से कैसे मार सकते हैं आप। तो गाइज देखो, ये मैंने इस फायर बटन पर प्रेस किया एंड ये रिलीज़ किया भाई, ये देखो परफेक्ट शॉट लग गया बंदे पे एंड भाई सेकंड शॉट भाई मेरा थोड़ा मिस हो गया। एंड देखो भाई, ये मतलब आपको टैप पे प्रेस करना है, मतलब बटन पे प्रेस करना है एंड रिलीज़ कर देना है। जब भी आपका एम बने उसी टाइम रिलीज़ कर दो, एक सेकंड भी नहीं लगती भाई रिलीज़ करने में, मतलब एक सेकंड का भी 10% भी नहीं लगता एंड भाई आप इजीली बंदों को मार सकते हैं। आपको गाइज करना क्या है, बस बटन पे प्रेस करना है एंड एम होते ही छोड़ देना है, रिलीज़ कर देना है बटन। तो भाई देख सकते हैं भाई मैंने कितना इजीली उसको शॉट दिया है एंड भाई यहाँ पे अभी देख सकते हैं भाई मुझे बस बटन रिलीज़ करना है एंड भाई एकदम परफेक्ट हेड शॉट मार सकते हैं आप क्लोज रेंज में भी स्कोप हटा के। क्लोज रेंज में बस आपको एक थोड़ा सा वो क्लिक मतलब स्कोप पे क्लिक करके स्कोप को डिसेबल करना पड़ेगा, मतलब स्कोप ऑन हो जाता है अपने आप ही। एंड गाइज, लॉन्ग रेंज में तो आप अगर क्लासिक मोड खेल रहे हैं ना, अगर ये तो भाई TDM के लिए होता है क्लोज मोड, क्लोज कॉम्बैट, तो भाई स्नाइपिंग से कौन ही करता है क्लोज रेंज में फाइट क्लासिक में। क्लासिक में भाई आप स्नाइपिंग कर रहे हैं तो भाई इस सेटिंग के बाद आपकी स्नाइपिंग जो है ना भाई एकदम ओपी गोड लेवल स्नाइपिंग हो जाएगी एंड भाई बंदे मतलब एक सेकंड भी आपको टाइम देंगे ना अगर, तो भाई आप टपाटप से बंदों को मार सकते हैं बहुत इजीली। तो चलिए गाइस, यही था आज की वीडियो में भाई, ये जो स्नाइपिंग की सेटिंग्स हमने बताई है ये भाई सब अप्लाई कर लेना एंड भाई इसके बाद स्नाइपिंग करके देखना, एक बार ट्राई करके देखना गाइस एंड आपको भाई शौक हो जाओगे अपनी स्नाइपिंग देख के। तो चलिए गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, साथ ही भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन प्रेस करो। आपसे मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट, जय हिंद। We'll be right back.